नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। पूरे देश में वैक्सीन की कीमत समान हो, कहना है अरविंद केजरीवाल का। मोदी सरकार के अनुरोध पर ट्विटर ने कोविड 19 प्रबंधन की आलोचना करने वाले करीब 50 ट्वीट्स हटाए। कोरोना अपडेट, देश में पहली बार 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले, 2812 मरीजों की मौत। और आखिर में नफरतों के बीच नजरुल इस्लाम का प्रेम। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। वैक्सीन के अलग अलग दाम पर उठा रहे सवाल, अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन निर्माताओं का दावा है कि 150 रुपए की वैक्सीन में भी फायदा हो रहा है, तो फिर अलग अलग दाम क्यों रखे जा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने अपील की है कि पूरी जिंदगी प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ी है, ऐसे में राज्य सरकारों को भी कम दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ट्विटर ने भारत में ऐसे करीब 50 ट्वीट्स पर रोक लगा दी है जो कोविड 19 महामारी रोकने के नरेंद्र मोदी सरकार के तरीकों की आलोचना कर रहे थे। अब इन ट्वीट्स को भारत में नहीं देखा जा सकता। बता दें कि भारत बुरी तरह से कोविड 19 की दूसरी लहर की चपेट में है और रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और इस तरह प्रतिदिन मृतकों की संख्या भी 2000 के पार जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर द्वारा ल्यूमन डेटाबेस में की गई फाइलिंग के अनुसार प्रभावित ट्वीट्स को भारत सरकार के एक अनुरोध के जवाब में हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि ल्यूमन डेटाबेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन सेंटर द्वारा संचालित एक पारदर्शिता पहल है जो सामग्री हटाने के अनुरोध को ट्रैक करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 26 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना में के 3.5 लाख से ज्यादा यानी 3,52,991 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा कोरोना से लगातार 10वें दिन भी सबसे ज्यादा यानी 2812 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 219,272 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 1,30,907 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के हालत अभी भी चिंताजनक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 832 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में भी 24 घंटों में 350 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 206, छत्तीसगढ़ में 199, गुजरात में 157, कर्नाटक में 143 और झारखंड में 103 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,13,163 हो गई है, जिनमें से 1,95,123 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 82.62% हो गया है, यानी देश में कुल पीड़ित मरीजों में से अब तक 1,43,04,382 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16.25% यानी 28,13,658 हो चुकी है। और जाते जाते बात कर लेते हैं बंगाल के मशहूर कवि और विचारक काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। नजरुल इस्लाम के गीतों में प्रेम और अमन का संदेश है और राजनीति के मौजूदा दौर में उनकी कविताओं को याद करना, उन्हें याद करना और भी जरूरी है। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता, वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह की इस रिपोर्ट में। बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम के बारे में बात करना बंगाल की संस्कृति के बारे में बात करना है। नजरुल गीती के नाम से मशहूर उनके गीत हर जगह आज भी उसी तरह से याद किए जाते हैं, उसी तरह से बजते हैं जैसे बंगाल की आत्मा में बसा है रविंद्र संगीत। गाता हूँ साम्यता का गान, जेखने जहां आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहां मिल रहे हैं हिंदू बौद्ध मुस्लिम ईसाई। गाता हूँ साम्यता का गान। तुम कौन? पारसी, जैन, यहूदी, संथाली, भील,
कारो, कन्फूसियस, चार्वाक के चेले कहते जाओ, कहो और बंधु जितने खुश हो जाओ, पेट पीठ कांधे मगज में जो मर्जी पांडुलिपि व किताबें ढो, कुरान पुराण वेद वेदांत बाइबल त्रिपिटक जेदावस्ता ग्रंथ साहब पढ़ते जाओ जितनी मर्जी, किंतु क्यों ये व्यर्थ परिश्रम मगज में हंते हो शूल, दुकान में क्यों यह दर मोल भाव, पथ में खिलते हैं ताजा फूल, तुम में है सभी किताब सभी काल का ज्ञान, सभी शास्त्र ढूंढ सकोगे सखा, सभी शास्त्र ढूंढ सकोगे सखा, खोल कर देखो निज प्राण, तुम में है सभी धर्म सभी युगावतार, तुम्हारा हृदय विश्व देवालय सभी देवताओं का, क्यों ढूंढते फिरते हो देवता ठाकुर मृत पांडुलिपि कंकाल में, हंसते हैं वे अमृत हिया के निभृत अंतराल में। बहुत दिलचस्प शख्सियत थे काजी नजरुल इस्लाम। जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच दूरी नफरत फैलाने की कोशिश इस समय हो रही है, इसके ठीक उलट प्रेम का एक गहरा आवेग नजरुल की गीतों में मिलता है, उनकी रचनाओं में मिलता है। वे दार्शनिक थे, वे योद्धा थे, वे कवि थे, वे विचारक थे और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। भारत में भी उन्हें बहुत गहरा सम्मान मिला है। बंधु नहीं कहा झूठ, यहां आकर लूट जाते हैं सभी राजमुकुट, यह हृदय ही है, यह हृदय ही है वह नीलांचल काशी मथुरा वृंदावन बोधगया, यही जेरूसलम, यही मदीना काबा भवन मस्जिद, यही मंदिर, यही गिरजा, यही हृदय, यही बैठ ईसा मूसा ने पाया सत्य का परिचय, इसी रणभूमि में बांसुरी के किशोर ने गाई महागीता, इसी मैदान में भेड़ों का चरवाहा हुआ नबी खुदा का मीता, इसी हृदय के ध्यान गुफा में बैठ शाक्य मुनि त्यागा राज्य मानव के महावेदना की पुकार सुनी, इसी कंदरा से इसी कंदरा में अरब दुलाल सुनते थे आह्वान, यहीं बैठ गाया उन्होंने कुरान का साम गान, मिथ्या नहीं मिथ्या नहीं सुना भाई, इस हृदय से बड़ा कोई मंदिर काबा नहीं। मेरे पीछे जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, वह बंगाल की पहचान है, वह है नजरुल इस्लाम की मूर्ति। ये हल्दिया में बनी हुई है। नजरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश दोनों में एक ही ढंग से उन्हें प्यार मिला, सम्मान मिला और ये जिंदा हैं अपनी 4000 से अधिक रचनाओं के जरिए। इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सेना में काम करने के साथ साथ कविता में संस्कृति में ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वह कड़ी पिरोई बंगाल में, जो आज भी उसी तरह से अटूट है। जब हम चुनाव यात्रा में निकले हैं उस समय बंगाल में कवि नजरुल इस्लाम को याद करना, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शायद इनके सपनों का जो बंगाल और भारत है वह इस समय बहुत तगड़ा दांव पे लगा हुआ है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।